फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटे का हलवा। सिर्फ एक चीज़ ऐड करके ये आटे का हलवा आप बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो आगे मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आटे का हलवा में डालने के बाद आटे का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। तो आटे का हलवा आज हम बनाने वाले हैं, और ये आटे का हलवा हम गुड़ के साथ बनाएंगे। आपने देखा होगा, आटे का हलवा जब भी हम बनाते हैं तो बहुत ही परेशानी होता है, आटे में गांठें पड़ जाती हैं, तो उसे छुड़ाते छुटा छुड़ाते ही टाइम लग जाता है। आटा जो है वो आटे का हलवा प्रसाद के लिए भी यूज़ होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं टेस्टी हलवा। तो इसके लिए मैंने मेजरमेंट के लिए एक कटोरी हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी आप ये करें, जिस क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप मेजरमेंट रख लीजिए। तो एक कटोरी हमने यहाँ पर, छोटी कटोरी है ये, बहुत बड़ी नहीं है, तो एक छोटी कटोरी में हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। और इसके साथ हम गुड़ लेंगे, चीनी नहीं लेंगे। बहुत सारे प्रसाद में चीनी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गुड़ डालूंगी क्योंकि प्रसाद में गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। गुड़ की क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे एक ही कटोरी रखी है। स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी है वो एक चीज़ ऐड करने की। तो चलिए, वो एक चीज़ है रवा। रवा यानी सूजी। जिस क्वांटिटी में आटा लिया उसी क्वांटिटी में आपको सूजी लेना है। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई या पैन आपको गर्म करना है, और सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, हम सूजी डालेंगे। आटा पहले नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सूजी डालेंगे। सूजी को लगभग हम 1 मिनट तक थोड़ा गर्म होने देंगे, इसके बाद हम इसमें आटा को डालेंगे। इससे क्या होगा कि आटे में जो गांठें पड़ जाती हैं, जब हम आटे का हलवा बनाते हैं तो जो गांठें पड़ जाती हैं वो नहीं पड़ेगी, और आप परेशानी से बच जाएंगे। तो सूजी के साथ आटा आप डालिएगा। 1 मिनट होने के बाद आटे को डाल दीजिए, और इसके बाद इसको हिलाते रहिए। हिलाना कब तक है, हम इसे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सब पहले हम मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम लो रख देंगे। लगभग 2 मिनट के बाद आपको फ्लेम को लो कर देना है। तो लो टू मीडियम रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप इसे घुमा घुमा के हिलाते रहिए, इसे छोड़ना नहीं है, आपको हिलाते रहना है। और आप देखेंगे, देखिए आप थोड़े मोड़े जो गांठे बने होंगे वो आप दबाते हुए निकाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी गांठे इसमें नहीं बनती है। छोटा मोटा गांठे बनती है उसे आप दबा कर छुड़ा सकते हैं, उसमें आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे भूनना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन ब्राउन होने तक परफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, अब अभी हमारा आटा और सूजी जो है वो भूनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए किसी थाली या बर्तन में निकाल के रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हम इसे क्या करते हैं, एक थाली में फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर इसे, आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर, एकदम परफेक्ट कलर आया है। अगर थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेस्ट खराब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, कैमरे पर शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गोल्डन ब्राउन बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो अभी हम इसे थाली में निकाल देते हैं। थाली में निकाल देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इसी कढ़ाई में हम गुड़ डालेंगे। तो पहले हम देख लीजिए, थाली को हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। अभी सूजी और आटा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब तक कि हम गुड़ को बनाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो हम थाली को साइड रख देते हैं, उसी कढ़ाई में हम गुड़ डाल देते हैं। गुड़ की क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में हमने यहाँ पर सामान लिए हैं, सूजी और आटा, उस हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन किसी को ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा मीठा पसंद आता है तो वो इसमें गुड़ बढ़ा सकता है। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ले रही हूँ, और आधा ग्लास, लगभग आधा ग्लास इसमें और पानी डालेंगे ताकि गुड़ जो है थोड़ा पिघल जाए। गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पर गुड़ को पिघलाना है, चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे पिघलाना है। आप देख सकते हैं मोटे मोटे टुकड़े हैं गुड़ के, तो बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे पकाना है ताकि ये जो गुड़ है वो पिघल जाए। तो आधा कटोरी ग्लास हम और पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी जो है थोड़ा पानी खींचता है। तो आप जिस क्वांटिटी में सूजी और आटा ले रहे हैं उसी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा पानी ज़्यादा लें। तो मैं यहाँ पे आधा ग्लास पानी और डाल दे रही हूँ ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाए। हमें चाशनी नहीं बनाना है, इतना ध्यान रखना है कि हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे गुड़ को हमें पिघलाना है।
आटे का हलवा बहुत ही बढ़िया बनता है। ये गुड़ जो है बस 2 से 3 मिनट में ये पिघल जाएगा। तो आप देखिए गुड़ का टुकड़ा दिख रहा है, एक छोटा छोटा टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है, तो 2 मिनट हम इसे और पका लेंगे। जैसे ही गुड़ का टुकड़ा पिघल जाएगा, बिल्कुल भी गुड़ नहीं रहना चाहिए, तो जैसे ही पिघल जाएगा थोड़ी देर हम इसे छोड़ देते हैं। गुड़ पिघल जाएगा तो हम हटा देंगे, और इसके बाद जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, थोड़ा सा हमें उबाल आने तक का वेट कर लेना है। तो आप देख रहे गर्म है तो उबाल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस लगभग 30 सेकंड का टाइम लगेगा क्योंकि भाप निकल ही रहा है। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं ताकि ये जो गुड़ जो है उसमें उबाल आ जाए। हमें उबाल लाने तक ही करना है, चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और जैसे ही उबाल आएगा, इसके पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल देते हैं। तो घी को भी हम साथ में गुड़ के साथ, जैसे गुड़ में उबाल आए तब तक घी भी डाल देंगे, ताकि घी जो है उबाल आने के बाद घी जो है पूरा पिघल जाएगा। पानी गर्म है तो घी पिघलने में टाइम नहीं लगता है। तो 2 चम्मच ही हम यहाँ पे घी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालना है तो डाल सकते हैं, ज़्यादा घी अच्छा लगता है हलवा में, पर मैं ये परफेक्ट कम घी में बना रही हूँ। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे घी ऐड किए हैं। आपने देखा, बस 2 चम्मच ही हम यहाँ पे घी ऐड करके हलवा बनाएंगे। तो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं ताकि जब तक गुड़ में थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसके बाद आटा और सूजी भी हल्का सा ठंडा हो रहा है, एकदम से ठंडा इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो आप देखिए उबाल आ गया है, अब हम इसमें आटा और सूजी को मिला देंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि गाँठे ना पड़े। वैसे गाँठे पड़ने की कोई चांस नहीं है, फिर भी हम इसे थोड़ा हिलाते, जल्दी से जल्दी हिलाते जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है तुरंत से पानी सूखना शुरू कर देता है। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ी देर इसे लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी है सूजी पानी खींचता है, तो उस हिसाब से फ्लेम को लो कर दीजिए और धीरे धीरे इसे पकने दीजिए। और आपको हिलाते हिलाते ही हलवा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो घी और डाल सकते हैं, अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच घी यहाँ पे और डाल दीजिए, ताकि हलवा में ज़्यादा घी नज़र आए। और इसके बाद हलवा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें फ्लेम को बंद करना है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, यदि आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है ताकि ये जो हलवा है वो अपसेट हो जाए। और इसके बाद अब बारी है हलवा को प्लेटिंग करने की। आप देखिए कितना सुंदर हलवा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी कि कोई भी गाँठे इसमें दिखाई नहीं दे रही है, घी भी दिखाई दे रहा है इसमें। तो हलवा बहुत ही टेस्टी है, बनकर तैयार हो चुका है। अब आप प्लेटिंग कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मैंने यहाँ पर सर्व करने के लिए थोड़े से काजू का यूज़ किया है। काजू को मैंने बारीक काट कर इसे डाल दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और इजी वे में हमारे चैनल पर जो भी रेसिपी आते हैं बहुत ही इजी वे में आती है, तो आपको ऐसे ही इजी वे में देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।